हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ड्रूपल 8 ट्यूटोरियल सीरीज। ड्रूपल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या होता है और कंटेंट टाइप का क्या रोल होता है, जब हम ड्रूपल में कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कंटेंट टाइप किस तरह से काम करता है, आज के हमारे वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंटेंट टाइप कैसे वर्क फ्लो में काम करता है जब हम ड्रूपल में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तब उसके बाद में जो फ्लो है हमारे कंटेंट टाइप का, उसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे कंटेंट टाइप, उसके बाद में फील्ड कैसे काम करती है, फील्ड के बाद में टैक्सोनॉमी, पाथ, कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले को कैसे मैनेज करते हैं और कंटेंट की परमिशन को कैसे सेट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कंटेंट वाला मॉड्यूल है वो 7 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कंटेंट टाइप और उसके बाद में फील्ड, टैक्सोनॉमी, पाथ, कंटेंट, मैनेज डिस्प्ले और परमिशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट टाइप क्या होता है। तो जब भी कोई वेब एप्लीकेशन हमारी होती है, एक कंटेंट टाइप ड्रूपल के अंदर कंटेंट टाइप वो कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम ड्रूपल की वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करते हैं। देखो, अब वेबसाइट जो है वो चेंज हो गई है। पहले जो वेबसाइट्स बनती थी वो स्टेटिक बनती थी, मतलब ड्रूपल की वेबसाइट स्टेटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। पहले वेबसाइट स्टेटिक बनती थी, कुछ भी कंटेंट चेंज होता था तो सोर्स कोड में जाके चेंज करना होता था और HTML CSS की हेल्प से वेबसाइट बनती थी। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब वेबसाइट फुल फंक्शनैलिटी के साथ और डायनामिक बनती है। तो डायनामिक वेबसाइट में कंटेंट को मैनेज करने के लिए ड्रूपल CMS के अंदर जो कंसेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप कैसे वर्क करता है, तो जो भी आपकी वेबसाइट में, एक सिंगल वेबसाइट कुल मेनी टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे कि बहुत टाइप के कंटेंट हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, आइटम्स हो सकते हैं, ब्लॉग हो सकते हैं, पोस्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप के जो भी आइटम्स होते हैं वो ड्रूपल में सब मैनेज होते हैं नोड से। सब नोड टाइप होता है और ईच नोड टाइप बिलोंग टू द एक सिंगल कंटेंट टाइप, मतलब सारे कंटेंट टाइप को मिला के जो भी बनता है उसको नोड बोलते हैं और हर एक कंटेंट टाइप का एक नोड टाइप होता है। और कंटेंट टाइप हमको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो होती है कंटेंट को पब्लिश करना, कंटेंट को अनपब्लिश करना, कंटेंट पे परमिशन अप्लाई करना, कंटेंट पे कमेंट्स की सेटिंग देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे हम आगे चीज़ों को फ्लो करते जाएंगे कंटेंट टाइप का कंसेप्ट हमारे को समझ में आता जाएगा। पहली बात यह है कि कंटेंट टाइप का जो कंसेप्ट है वो ड्रूपल की वेबसाइट के अंदर कंटेंट को मैनेज करने के लिए होता है। और जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स हमारी वेबसाइट में हो सकते हैं, कहीं पे न्यूज़ ब्लॉग आता है, कहीं पे पोस्ट आता है, कहीं पे कुछ और चल रहा है, तो इन सब कंटेंट को, कंटेंट के लिए हम एक पर्टिकुलर कंटेंट टाइप बनाते हैं और उस कंटेंट टाइप को पे हम ड्रूपल जो फैसिलिटी देता है वो ये है कि कंटेंट टाइप को पब्लिश रखना, अनपब्लिश रखना, कमेंट उस पर देखना, कमेंट करना, एक्सेट्रा। इसको देखने के लिए हम ओपन करते हैं drupal.org। तो जैसे ही हम drupal.org पे जाते हैं, अब drupal.org के अंदर जैसे हम देखते हैं ये न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ दिस इज़ द डिफरेंट कंटेंट टाइप, ये एक कंटेंट टाइप है हमारा। उसके बाद में न्यूज़, ये हमारा एक कंटेंट टाइप है। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं बैनर, ये हमारा एक कंटेंट टाइप हो सकता है, ये बैनर कंटेंट टाइप हो गया, ये हमारा न्यूज़ कंटेंट टाइप हो गया। और भी जो नीचे, जैसे कि अब हु यूज़ द ड्रूपल, कौन यूज़ करता है ड्रूपल की वेबसाइट, कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने ड्रूपल में अपनी वेबसाइट बना रखी है, जो उसका पोर्टफोलियो है, तो उसके लिए भी हमने एक पर्टिकुलर कंटेंट टाइप बना लिया। दिस इज़ द कंटेंट टाइप, Who is used Drupal, who uses Drupal, तो इसका एक अलग content type हो गया। न्यूज़ का एक अलग content type हो गया, this is the news content type। न्यूज़ content type के बाद में एक जो है वो हमारा banner का एक अलग content type हो गया। तो इस तरीके से website के content को manage करने के लिए हम content type बनाते हैं। Thank you।